की तरह जगन्नाथ रथ यात्रा बड़ी धूमधाम से निकाली जाएगी। पूरे भारतवर्ष में निकल रही है, पूरे विश्व में जगन्नाथ यात्रा निकल रही है और जगन्नाथ की जम्मू कश्मीर के पास बहुत बड़ी कृपा है और वहाँ जगन्नाथपुरी में एक बार निकलती है और जम्मू में कम से कम 3-4 बार निकलती है। कोई नवें शहर में निकलती है, कोई बिश्नाह में निकलती है, कोई सिटी में निकलती है। ये जगन्नाथ की बहुत बड़ी कृपा है। संडे को ऐतवार मतलब यहाँ स्टेडियम से ये यात्रा निकलेगी पांचमुखी हनुमान होते हुए बक्शीनगर से निकले काली माता मंदिर और कमला पैलेस से होते होते ये आगे तालाब तिलो में यहाँ नहर पर आगे विश्राम लेगी और बड़े धूमधाम से अपने परिवार को लेके आ पाएँ जगन्नाथ जगन के नाथ बोलते जगन्नाथ के बात को जगत पसारे हाथ बिना कर्मा नहीं मिलता जगन्नाथ का बात। जगन्नाथ का एक एक कदम जो चलेगा वो एक एक जन्म का फल प्राप्त होता है। जितने जन्म आप कदम चलोगे इतने ही जन्म वो फल देता है जगन्नाथ जगन के नाथ। इसलिए जगन्नाथ भगवान का भजन कीर्तन करना बहुत ही बड़ा। आप देखो जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए जगन्नाथपुरी से जो रथ यात्रा लिए वहाँ लोग अपना स्थान छोड़ के नहीं आते और वहाँ के पंडे जहाँ जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए आए हैं वो कहते हैं कि हम वहाँ जरूर देखेंगे। जहाँ जम्मू कश्मीर में जहाँ हमारे घर में एक बार होती है और जम्मू कश्मीर में 4 बार जगन्नाथ यात्रा होती है उस भूमि में हम जाएंगे और जगन्नाथ जी के पंडे जो मुख पंडे हैं वो भी आए हुए हैं वो यात्रा में ही शामिल होंगे। सब अपने परिवार को लेके आए बड़े धूमधाम से ये यात्रा आप यात्रा में निकलें और यात्रा का फल प्राप्त करें। अपने बच्चों को साथ लेके आएं, अपने रिश्तेदारों को साथ लेके आएं, जो भी आपको मिले उसको साथ लाने का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे कमांडो एक आर्मी बनाती है करोड़ों रुपया खर्ची उसे छोड़ती नहीं है, इसीलिए जो उसको भी आप लाओगे साथ उसका भी उसको तो फल मिलेगा मगर आपको उससे डबल फल मिलेगा। जगन्नाथ रथ यात्रा ये बहुत ही एक बड़ा भगवान की कृपा है। स्वयं भगवान कहते हैं जो मेरे रथ यात्रा के साथ चलता है उसके साथ मैं चलता हूँ और जगन्नाथपुरी में करोड़ों श्रद्धालु रथ यात्रा में जाते हैं और कोई कहे भाई करोड़ों लोगों को कैसे फल मिलेगा, वो करोड़ों लोगों को कैसे मिलता है जो लोग रस्से को पकड़ लेते हैं और जो उनके साथ एक दूसरे को टच करते हैं उनको भी फल मिलता है। जैसे कोई बिजली की तार को पकड़ ले वो करंट पड़ती है, जो पीछे उसको भी पड़ती है, कुछ ना कुछ उसको भी जरूर प्राप्त होता है। इसीलिए रथ यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल होकर चलें। देव मानतलाई में शंकर जी की शादी हुई थी, सारे देवी देवता उस शादी में आए थे, तो इसीलिए हम इस जगन्नाथ रथ यात्रा में जब रथ यात्रा चलेगी अगर शंकर जी की शादी में सारे देवी देवता आ सकते हैं और स्वयं भगवान की रथ यात्रा निकलेगी उसमें सारे देव भी आएंगे, सारे ऋषि मुनि भी आएंगे, कोई इसमें पीछे नहीं रहेगा। हमारे सिर्फ एक नज़रें चाहिए दर्शन करने के लिए, क्योंकि जहाँ भगवान आते हैं वहाँ देवी देवता स्वयं आते हैं, तो इसलिए हमें देवी देवताओं के भी दर्शन करने हैं, भगवान के भी दर्शन करने हैं और भक्तों के भी दर्शन करने हैं। तो इसलिए जगन्नाथ यात्रा की शोभा बढ़ाएं। पूरे भारतवर्ष में जब जगन्नाथ यात्रा निकल रही है, पूरे विश्व में निकल रही है, हमें ये देख के बड़ा आश्चर्य होता है। जो लोग हमारा मजाक उठाते थे वो सबसे ज़्यादा रथ यात्रा में शामिल होते हैं, करोड़ों रुपया खर्च के वो रथ यात्रा निकालते हैं। अभी इंग्लैंड में देखो, कार में देखो, कहीं भी देखो, वहाँ रथ यात्रा निकलेगी ही निकलेगी। तो इसीलिए अगर वो लोग रथ यात्रा निकाल सकते हैं, वो रथ यात्रा में साथ चल सकते हैं, हमें तो धरोहर में ये धर्म मिला हुआ है। तो इसलिए हमने बड़े धूमधाम से कहते हैं भगवान के घर में जो नया नोट चढ़ाता है भगवान उसे हर चीज़ देते हैं और भगवान के साथ जो नए वस्त्र पहन के चलता है उसे किसी चीज़ की कमी नहीं आती। इसलिए हमें भगवान की रथ यात्रा में चलना है बड़ी धूमधाम से कीर्तन करते करते ये हम जाएं, आप खुद भी तरें,
अपने परिवार को उतारें, अपने संग साथियों को उतारें और समाज को भी उतारें। यही एक जगन्नाथ जी का संदेश है। सब लोग जाएं और अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पितरों के लिए, सुख शांति के लिए आप निकलें। अगर हमें पैसा हमारे पास कितना भी होगा, अगर मन की शांति नहीं है, हमें कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। इसीलिए मेरा यही सबके आगे संदेश है, भारतवर्ष में जो रथ यात्रा निकाली जाई है वो आज जम्मू कश्मीर में भी निकल रही है, तो मैं यही कहूँगा जहाँ जगन्नाथ जी के पंडे भी आएंगे और भगवान भी तो होंगे ही और देवी देवता भी साथ चलेंगे, इसलिए रथ यात्रा में पूरा भारतवर्ष तो निकलता ही है। हम जम्मू वासी जो भी जहाँ जहाँ से आया है, कल 1 बजे स्टेडियम से ये यात्रा निकलेगी। सब लोग आएँ और यात्रा की शोभा बढ़ाएँ और सुख प्राप्त करें।